सो हेलो गाइस, हाउ आर यू, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मैं हूँ भरत और आप लोग देख रहे हो भरत गेमिंग यूट्यूब चैनल। और आज हम यार कुछ यूनिक करने जा रहे हैं, तो वो थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा। तो यार पी के ऊपर हम आपको कुछ मतलब सीक्रेट प्लेसेस बताएंगे जो कि बिना नेट किए हो जाती है। तो यार पहली प्लेस अपनी यहाँ पे है, तो इसको करने के लिए क्या करना है यार, आपको सिंपली इस जगह पे आ जाना है जैसे मैं अभी यहाँ पे आया हूँ। और यहाँ पे आने के बाद मतलब भैया यहाँ पे लोग नीचे छुपते हैं, पर मैं जो बताने वाला हूँ यार वो बहुत ही अट्रैक्टिव है और बहुत ही ओपी है, तो जिससे आप मतलब अपनी रैंक भी बचा सकते हो अगर आपके टीममेट्स मर जाते हैं, और अपने एनिमी को भी सरप्राइज़ कर सकते हो। तो भैया करना क्या है, आपको इधर आना और ऐसे स्कोप ओपन करके इसके ऊपर चढ़ना है। तो यार इजीली तो आप चढ़ नहीं पाओगे, फिर भी यार ट्राई करना, क्यों चढ़ एक दो बार अगर आप ट्राई करते हो तो आराम से चढ़ जाओगे। तो भैया मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो मतलब रन और जंप का बटन है वो दोनों लेफ्ट साइड पर, तो इसीलिए मैं ऐसे नहीं कर पा रहा था। तो मेरे पास एक ग्रेनेड था जो आदमी बन जाता है, तो मैंने उसको इस तरीके से लगा दिया, फिर मैं यहाँ पे जंप करके चढ़ गया। और जंप करने के बाद मैं स्कोप ओपन करने के बाद मैं यार आपको यहाँ पे चढ़ना है। और भैया अगर आपका मतलब फायर और लेफ्ट मतलब रन का बटन दो साइड में, तो आप लोग उससे भी कर लेना, स्कोप ऑन करके हो जाएगा। और मेरा नहीं था भैया, तो मैंने ऐसे किया। और ऐसा करने के बाद मैं आपको इस जगह पर आने के बाद में क्या करना है, आपको स्कोप ओपन करना है, क्योंकि यही मेन है भाई। यहाँ से नीचे गिरे तो भैया चले जाओगे, तो यहाँ पे भैया थोड़ा संभलना है, और संभलने के बाद में जंप मारना है। तो देखो यहाँ पे आप लोग कोने में आ जाओगे, और कोने में कोई भी बंदा आता है तो नोटिस नहीं करता इतना कि ऊपर भी कोई बंदा होगा, सारे नीचे होते हैं। और अगर वो भैया डैमेज होकर आए तो भैया आप उनको तुरंत ख़त्म कर सकते हो। और यहाँ पे देखो एक बंदा है, मैंने फायर किया तो सोच रहा है लोकेशन का है। तो यार मेरे को तो बहुत ही ओपी प्लेस लगी, आप बताना कमेंट करें कि ये कैसा लगा। और ये यार ये प्लेस अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर ऐसी वीडियोस चाहिए। तो अभी बढ़ते हैं भैया अपने प्लेस नंबर दो की तरफ। तो यार अपना प्लेस नंबर दो है यार, वो तो बहुत ही ज़्यादा ओपी हो, मतलब आप तुरंत कर सकते हो। अगर आपके पीछे कोई भी स्क्वाड मेट्स पड़े हैं, कोई भी बंदा पड़ा है आपको मार रहा है, घेर के मार रहा है, तो इसको तो आप तुरंत कर सकते हो, कोई आपको पहचान भी नहीं पाएगा, मतलब ये बंदा गया कहाँ, गायब कहाँ हो गया। तो करना क्या यार, आप देखो ये पीछे जो ऐसा बना होता है, घास होती है, तो इस घास में आके लेट जाना है। तो यार आप लोग दूर से सोचो कि ये घास में दिख जाते हैं, पर भाई यहाँ ऐसे बिल्कुल नहीं दिखते यार। मैंने खुद यहाँ पे ट्राई करके देख रखा है लास्ट जोन में भी, और कई बंदे आए, उनको मैंने मारे भी हैं और उनको पता नहीं था कि बंदे कहाँ हैं। तो इसमें आप पूरी तरह से गायब हो जाओगे। बस करना क्या, आपको जिस जगह पर मैं लेटा हूँ इस जगह पर आके लेटना है कुछ इस तरीके से। और कोई भी गन यार हो तो अपनी गन मतलब हाथ में लेके लेटो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, अगर बाई चांस कोई एनिमी आपको देख लेता है तो उसके ऊपर फायर करोगे तो आपके लिए इजी होगा। तो यार गन को हाथ में लेके लेटना, और जैसे कोई मतलब बंदा आए अगर चांस मत छोड़ना, अगर आप मार सकते हो उसे तो तुरंत मार देना, और अगर देखते हो भैया नहीं मार पाऊंगा तो चुपचाप लेटे रहना, कुछ मूवमेंट मत करना, तो बंदे को पता नहीं लगेगा कि भैया यहाँ पे बंदा है। तो यार अगर ये भी पसंद आई यार तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अभी बढ़ते हैं यार अपने प्लेस नंबर थ्री के तरफ जो कि बहुत ही ज़्यादा ओपी है। तो भैया ये वाला घर तो देखा ही हुआ यार कि इस बार इसमें क्या होता है, कई बार कि बंदे चढ़ के जीने पे बैठ जाते हैं, और आप जैसे नीचे से आते हो आपको फोड़ देते हैं। और कई लोग बंदे गलती क्या करते हैं, यहाँ से आते हैं और इस वाली विंडो से घुस जाते हैं। तो आपको इस वाली विंडो से नहीं घुसना यार, इस वाली विंडो से घुसोगे जब भी मारे जाओगे, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है मैं बताता हूँ, ऐसे करना है तो यहाँ से टायर से जंप करना, और जंप करने के बाद में आपको कोई भी गन इक्विप कर लेनी है, और ऐसे बैठ के जाना है कि मतलब एनिमी को पता ना लगे कि बंदा आ रहा है। और यहाँ से आपको ऐसे जंप करना है नीचे और बैठ के जाना है, और बैठ के इस विंडो के पास में आके देखो यहाँ पे बंदा बैठा होता है, और अगर कोई भी गन है यार तो मतलब आराम से हेड पे एम करके उसको ठोंक दो, उसे पता भी नहीं लगेगा कि बंदा आया कहाँ से। और ये भैया बहुत ही मतलब ओपी है, मैंने खुद ट्राई किया और पूरी स्क्वाड ख़त्म कर रखी है, तो इसको यहाँ से आप कर सकते हो। और अगर वो बंदा यहाँ बैठा होगा, जब भी आप उसे मार दोगे उसे पता नहीं लगेगा कि बंदा आया कहाँ से, वो सोचेगा कि बंदा नीचे है, पर आप उसे ईजिली ख़त्म कर सकते हो, भैया बंदे का मजाक बन जाएगा उस जगह पे। तो इसको भी यार यूज़ कर सकते हो, बहुत ओपी प्लेस है। तो अभी बढ़ते हैं प्लेस नंबर फोर की तरफ। तो अभी भैया प्लेस नंबर फोर है यार, वो अपने इस जगह पे है जहाँ पे आप लोग देख रहे हो टावर सा है बड़ा वाला, क्या कहते हैं इसे, पीक के जस्ट नीचे, ये भी पीक में ही आता है। तो ये पे तो यार कई लोग आपको इसके ऊपर चढ़ने का बताते हैं, पर मैं ऐसा कुछ नहीं बता रहा, मैं आपको मतलब बहुत इजी सा बता रहा हूँ जिससे आपकी हेल्थ भी ना जाए। तो आपको करना क्या है, इस वाले घर में आके इस जगह पे बैठ जाना होगा, और अगर माइन हो यार तो दरवाजे के पास लगा देना, जो कि बहुत ही ओपी। इससे होगा क्या कि अगर ये राइट साइड में विंडो से बंदा आएगा जब भी आप उसे मार सकते हो, और लेफ्ट साइड से बंदा आएगा जब भी आप उसे मार सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा यार आपके लिए, और बहुत ही अच्छा मतलब प्लेस बन जाएगा, हिडन प्लेस तो बन ही जाएगा यार जो कि बिना नेट ऑफ के हो रहा है। तो भैया और कह लोगे यार, तो अभी बढ़ते हैं प्लेस नंबर फाइव की तरफ। तो अपना यार जो प्लेस नंबर फाइव है वो है सीमेंटेड हाउस पे। तो ये देखो पीक के नीचे जस्ट सोता है इसमें, तो इसमें यार बंदे क्या गलती करते हैं, वो बंदे आराम से ऊपर चढ़ते हैं और यहाँ पे गन लेके बैठ जाते हैं, यहाँ पे गन लेके बैठ जाते हैं। और यहाँ पे गन लेके कभी मत बैठना गाइस, क्योंकि यहाँ पे बहुत बुरी तरह पिटोगे अगर बंदे को। ट्रिक पता है आपको करना क्या है, आपको सिंपली इस जगह पे आके यहाँ पे हो जाना, तो यहाँ पे कोई बंदा नहीं मार पाएगा, और कोई बंदा आता है नीचे से तो आप उसे इजीली मार सकते हो। और अभी उस जगह पे क्यों नहीं बैठना मैं उसको बताऊंगा, तो अभी आप इसको मतलब ध्यान से देखना थोड़ा कि उस जगह पे क्यों नहीं बैठना और डेंजरस क्यों है। तो अभी देखो आपको मतलब वहाँ पे अगर कोई बंदा बैठा है तो उसको आप कैसे मार सकते हो, वो भी इजी। मैं तो क्या करना है, आपको एल शेप पे आना है,
और एल शेप पे आने के बाद में क्या करना है आपको, ये जो दीवार दिख रही है पतली वाली लाल वाली, इस दीवार के ऊपर जंप करना है। और जंप करने के बाद में आपके पास जो भी लॉन्ग रेंज की गन है उसका स्कोप लेना है, मतलब गन लेना है और उसका स्कोप खोलना है। और स्कोप खोलने के बाद में जस्ट आप देखो बंदे का हेड दिख रहा है, तो आप बंदे का हेड फोड़ दो, कुछ भी करो। इसलिए मैं कह रहा था कि मतलब जिस बंदे को ये ट्रिक पता है तो यहाँ से आराम से मार देगा, इसलिए वहाँ पर मत बैठना, घर के अंदर बैठना तो किसी को पता नहीं लगेगा। तो बढ़ते हैं प्लेस नंबर 7 की तरफ। तो भैया वो तो यार यहाँ पर है, मतलब बहुत ही ओपी प्लेस है जो मतलब सभी लोगों को नहीं पता है, और पता भी है तो कोई बात नहीं यार, क्योंकि मैं एक एडवांस टिप के साथ देने वाला हूँ इस प्लेस को, क्योंकि ये बहुत ही ओपी प्लेस है। तो भैया यार मतलब वीडियो को लाइक कर देना अगर अभी तक देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा देना अगर और भी ऐसी वीडियोस चाहिए। तो करना क्या है, यहाँ पे आना और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके सेंटर में आना है, कुछ ऐसे डायरेक्ट नहीं जाना, सेंटर में आना है। अगर एनिमी आपका पीछा कर रहा है तो यहाँ पे आते ही जस्ट एक लैंड माइन लगा दो और जंप करके इसके अंदर और बैठ दो, क्योंकि बंदा मतलब उतना ध्यान नहीं देगा। और फायर क्या करो, एक दो फायर कर दो, मतलब बंदे को आपकी लोकेशन पता लग जाए, और जैसे उसे आपकी लोकेशन पता लगती है आप नीचे बैठ जाओ, और वो बंदा जैसे ही आएगा तो माइन से फूटेगा, और अगर आप एक भी गोली उसे मारोगे तो मर जाएगा। और ये बहुत ही ओपी प्लेस है यार। तो मतलब वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं यार। तो मतलब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके यार बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा देना, क्योंकि भैया आपका ही फ़ायदा है।